हेलो दोस्तों, मैं आया था पशुपतिनाथ मंदिर। आज है सावन का सातवां सोमवार, तो चलिए हम आपको पूरा पशुपतिनाथ का नज़ारा बताते हैं कि आज मंदिर में कितनी भीड़ है और कैसा है। मैं हम कर चुके हैं एंट्री, अंदर फटी पैंट पहन के यहाँ जाना मत, क्योंकि ड्रेस कोड यहाँ पे लागू कर दिया है, अंदर आने नहीं देंगे, बाहर से ही जाना पड़ेगा, इसलिए सही पैंट पहन के जाना। चलिए तो हम आपको बताते हैं। अब अपन चलते हैं फोटो गैलरी के पास। यहाँ प्राचीन फोटो लगे हुए, आप जाके जरूर देख सकते हैं, और यहाँ पे चित्र बने हुए जहाँ आप सेल्फी फोटो ले सकते हैं। ये है यहाँ पे शिवलिंग, इसके आप दर्शन जरूर करना। वहाँ पे घंटा है जो पहले बजाने देते थे, अब बंद कर दिया है, क्या पता क्यों बंद किया, मुझे पता नहीं है। चलिए तो मैं यहाँ पे अंदर आ चुका था, और यार यहाँ पे भीड़ बहुत होने की वजह से वीडियो स्टेबल नहीं बनता है, आपको भी पता है, क्योंकि अभी सावन चल रहा है, तो यार फोटो लेने में तो दिक्कत होती है। तो हम पशुपतिनाथ के मंदिर के वहाँ चलेंगे, उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, ढेर सारा शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलो चलते हैं पशुपतिनाथ के दर्शन के लिए। यह आ गया था मैं पशुपतिनाथ मंदिर के सामने, और यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ होने की वजह से थोड़ा वीडियो सही से शूट नहीं होता है, क्योंकि यार यहाँ पे सिक्योरिटी रहती है और वो चलो 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 बोलते रहते हैं, आपको तो पता ही है। बट मैंने जैसे तैसे करके थोड़ा बहुत शिवलिंग का वीडियो लिया है, वीडियो लेने नहीं देते, आपको भी पता है यार। और ये यहाँ पे जो डेकोरेट है मुझे बहुत ही पसंद आया है, ये अभी सावन में खास करके डेकोरेट किया जाता है, बाकी दिनों में नहीं रहता है, बट सावन में डेकोरेशन रहता ही रहता है। हम आपको बताते हैं शिवना रिवर, यहाँ पे बहुत सारे लोग यार सेल्फी फोटो ले रहे थे, तो मैंने कहा अपने ऑडियंस को भी शिवना नदी का नज़ारा जरूर दिखाना पड़ेगा यार, क्योंकि हमारा ऑडियंस इसी के लिए तो हमारी वीडियो देखते हैं। मैंने कहा चलो अपन भी शिवना नदी का पूरा वीडियो लेते हैं, और अभी बारिश की वजह से शिवना नदी थोड़ी कम है, बट अभी बाद में जब ये ज़्यादा पानी हो जाएगा तो मैं आपको ज़रूर व्लॉग में बताऊंगा। ये यहाँ पे एलईडी लगी हुई है, आपने वहाँ सही से दर्शन नहीं किए हैं तो आप यहाँ एलईडी में दर्शन जरूर कर सकते हैं। तो चलिए अपन अब चलते हैं श्री राम मंदिर। मैं आ गया था इधर मंदिर में दर्शन करने, मैंने कहा प्रभु श्री राम के दर्शन तो आपको कराने ही कराने जरूरी है। तो ये है, और ये प्राचीन कुआं, ये बहुत सारे लोग पशुपतिनाथ गए होंगे पर इस पर कभी किसी ने नोटिस नहीं किया होगा, बट पहले इसी कुएं से सब तरफ पानी जाता था। और अब हम चलते हो एग्जिट की, और अब हम एग्जिट की तरफ चलने लगे हैं, और ये दादा यहाँ पे झाड़ू निकाल रहे हैं, देखो आराम से ये जॉब है, और ये देखो मेरी वाइफ यहाँ पे सेल्फी लेने लगी है। और अब हम आपको आगे बताएंगे कि प्रसाद का काउंटर भी यहाँ पे आप प्रसाद ले सकते हैं, ये देखो। और हम आ गए यहाँ बाहर, अब आपको बताएंगे बाहर का जो नज़ारा है वो। यहाँ पे शॉप लगी हुई है, यहाँ पे आप बच्चों के लिए खिलौने ले सकते हो, नाश्ता कर सकते हो, और थैंक यू हमारी वीडियो देख